नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन बंसल वास्तु कंसल्टेंट हमारी जो सीरीज चल रही है प्लॉट चेन से लेकर प्लॉट शुद्धि तक प्लॉट शुद्धि से लेकर गृह निर्माण तक और गृह निर्माण से लेकर गृह प्रवेश तक मैं अपनी इस सीरीज में आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ और आने वाली मेरी और भी बहुत सारी वीडियो बन रही है जो कि आपके घर को बनाने में काफ़ी सहायक होगी मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी हर एक वीडियो में वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दूँ आपका अपना प्लॉट साउथ फेसिंग है यानी दक्षिण मुखी है और आप अपने प्लॉट में घर बनाने जा रहे हैं आपके प्लॉट का साइज बहुत बड़ा है और आप चारों तरफ से ओपन रख के अपनी बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो ऐसे में आपको कंपाउंड वॉल बाउंड्री वॉल किस प्रकार से बनानी चाहिए क्योंकि कंपाउंड वॉल का वास्तु सही होता है तो भी घर के अंदर खुशहाली आती है धन दौलत आती है काम बनते हैं कोई भी काम नहीं बिगड़ता यदि कंपाउंड वॉल में वास्तु दोष बन जाता है तो घर में कई प्रकार की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है वो आपके काम से भी संबंधित हो सकती है आपकी हेल्थ को भी लेकर दिक्कत आ सकती है और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपके काम बनने में भी दिक्कत आए आपका प्लॉट साउथ फेसिंग यानी दक्षिण मुखी है और आप अपने प्लॉट के अंदर बीच में सेंटर में बिल्डिंग बना रहे हैं और चारों तरफ से ओपन रख रहे हैं तो ऐसे में आपको बाउंड्री वॉल बनाते समय कंपाउंड वॉल बनाते समय ध्यान रखना है जो आपकी अपनी साउथ की दीवार है और वेस्ट की दीवार है ये दोनों दीवारें मोटी होनी चाहिए थिक होनी चाहिए और इनकी हाइट सबसे ज़्यादा ऊंची होनी चाहिए किससे ऊंची होनी चाहिए आपकी नॉर्थ की दीवार से और ईस्ट की दीवार से हमेशा ही ऊंची होनी चाहिए ऊंचाई में भी ज्यादा हो और मोटाई में भी ज्यादा हो जब आप, आप अपनी बिल्डिंग बीच में बनाएं तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है आपके प्लॉट का साइज छोटा है या आप थ्री साइड ओपन रख के बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपको बिल्डिंग हमेशा ध्यान रखनी चाहिए ईस्ट वॉल के साथ आपने बिल्डिंग कभी भी नहीं बनानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से वास्तु दोष बनता है तो ऐसे में आपको जो बिल्डिंग बनानी चाहिए वो बिल्डिंग आपको वेस्ट वॉल के साथ इस प्रकार आपने बिल्डिंग बनानी है आपने साउथ के भाग में ओपन एरिया रखना है नॉर्थ के भाग में ओपन एरिया रखना है और ईस्ट के भाग में यानी पूर्व दिशा में ओपन एरिया रखना है पूरी की पूरी बिल्डिंग आपकी वेस्ट वॉल पर बन जाती है तो ऐसे में जो आपकी अपनी कंपाउंड वॉल बनती है उसको किस प्रकार से बनाना है आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या आपका घर बन रहा है काम चल रहा है और आप आज मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो भी आप अपने घर की कंपाउंड वॉल का वास्तु सही कर सकते हैं और मेरी ये सीरीज देख भी आप अपने घर के अंदर क्योंकि आपके घर के अंदर काम चल रहा है जितनी चीज़ें आप अपने घर के अंदर ठीक कर सकते हैं वो आपको ठीक कर लेनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो जो आपके अपनी साउथ की वॉल है वो मोटाई में ज़्यादा होनी चाहिए और ऊंचाई में ज़्यादा होनी चाहिए नॉर्थ वॉल और ईस्ट वॉल ये दोनों दीवारें एक लेवल की होनी चाहिए साउथ की दीवार और वेस्ट की दीवार ऊंचाई में ज़्यादा होनी चाहिए मोटाई में भी ज़्यादा होनी चाहिए और ऊंचाई में भी ज़्यादा होनी yani, चाहिए यानी ये मान लीजिए आपने साउथ की दीवार नौ फिट की रखी है या आठ फिट की रखी है तो बैक साइड की दीवार यानी नॉर्थ की दीवार आपकी छः फिट की या सात फिट की होनी चाहिए ऐसे ही ईस्ट की दीवार भी और नॉर्थ की दीवार भी दोनों ही बराबर होनी चाहिए छह फिट की नॉर्थ की दीवार है तो ईस्ट की भी छह फिट की दीवार आनी चाहिए और आपकी दीवार सात फिट की नॉर्थ की है तो ईस्ट की दीवार भी आप सात फिट की ही आनी चाहिए लेकिन जो साउथ की दीवार है वो हमेशा ही ऊंची होनी चाहिए इसी के साथ आपने ध्यान रखना है आप जिस घर के अंदर रह रहे हैं उस घर को भी चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ क्या क्या वास्तु दोष बनते हैं क्योंकि मैं हमेशा ही आप लोगों को प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ अपने अनुभव की खास बातें बताता हूँ जिस घर के अंदर आप रह रहे हैं या आपके अड़ोसी पड़ोसी है छत के ऊपर खड़े होकर चेक कीजिएगा बाउंड्री वॉल में कहा क्या क्या, क्या दोष मिलते हैं कौन सी दीवार ऊंची है कौन सी दीवार नीची है क्योंकि ज्यादातर देखने में आता है कि जितनी भी कंपाउंड वॉल होती है बाउंड्री वॉल होती है वो कभी भी एक लेवल की नहीं होती जब बिल्डिंग चारों तरफ से ओपन रख के बीच में बिल्डिंग बनाते हैं तो वो कंपाउंड वॉल तो बराबर आ जाती है लेकिन जब बिल्डिंग एक दीवार से टच करके बनाते हैं या दो दीवार से टच करके बनाते हैं तो उसमें कंपाउंड वॉल में कहीं ना कहीं दीवारों में फ़र्क आ ही जाता है दीवारों की ऊंचाई में फ़र्क आ जाता है दीवारों की मोटाई में फ़र्क आ जाता है तो आपने ध्यान रखना है कि जो दीवारें हैं वो दीवारें आपकी साउथ की और वेस्ट की दीवारें ऊंचाई में भी ज़्यादा होनी चाहिए और मोटाई में थिक में भी ज़्यादा होनी चाहिए थिक भी होनी चाहिए और नॉर्थ की दीवार और ईस्ट की दीवार आपकी एक लेवल में और पतली होनी चाहिए स्मूथ होनी चाहिए अब मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि पूरी पूरी बिल्डिंग आपने वेस्ट में बनाई तो फ्रंट में जो साउथ वेस्ट में वेस्ट की वॉल है बनी बिल्डिंग से फ्रंट वॉल तक ये दीवार आपकी साउथ की दीवार के बराबर यानी जो आपकी साउथ की दीवार है इस दीवार के बराबर ही ऊंचाई में जानी चाहिए और ऐसे ही जो आपकी बैक साइड में नॉर्थ वेस्ट की वेस्ट वॉल है वॉल वॉल आपकी नॉर्थ के बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर होनी चाहिए नॉर्थ वॉल के बराबर होनी ही चाहिए इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ जो आपकी अपनी फ्रंट की दीवार है जो आपकी मेन दीवार है जिस पर आप डिजाइन बनाते हैं वो दीवार भी आपकी स्मूथ होनी चाहिए कई बार होता है क्या है कि दीवार को डिजाइन करते हुए कहीं से दीवार मोटी हो जाती है कहीं से दीवार पतली हो जाती है ऐसा होने से भी वास्तु दोष बनता है साउथ की दीवार जितनी ज़्यादा मोटाई में होगी जितनी ऊंचाई में होगी घर के अंदर उतनी ही खुशहाली बनेगी तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा जो आपकी अपनी साउथ की दीवार है इसमें जो आप डिज़ाइन बनाते हैं फर्स्ट तो इनके अंदर कोई भी हॉल नहीं बनाना है कई बार डिज़ाइन में इस तरीके से बना देते हैं बाहर से अंदर का हिस्सा कंप्लीट नज़र आता है ऐसे डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए यानी फ्रंट की दीवार आपकी कंप्लीट पैक होनी चाहिए और कोशिश करो कि दीवार बिल्कुल स्मूथ बने इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा आजकल डिजाइन में दीवारों को टेपर में स्लांट में भी बना रहे हैं आपने अपने यहाँ दीवार बाउंड्री वॉल स्लांट में नहीं बनानी है बाउंड्री वॉल आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए जितनी दीवार स्ट्रेट होगी उतना ही आपको फायदा मिलेगा कहीं कहीं ऐसा भी देखने में आता है कि जो फ्रंट की दीवार बनती है उसमें शी शेप में जो पट्टा निकालते हैं वो तो मोटा हो जाता है अंदर की दीवार चार इंच की बना देते हैं वो भी काम आपने नहीं करना है क्योंकि आपकी अपनी जो साउथ की दीवार है वो दीवार अंदर से पतली हो जाती है और साउथ की दीवार हमेशा ही थिक होनी चाहिए मोटी होनी चाहिए अब इसी के साथ एक बात और ध्यान रखिएगा आपके प्लॉट का साइज छोटा है और आप लेफ्ट टू राइट की दीवार तक पूरी बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं यानी पूरी की पूरी बिल्डिंग आपकी लेफ़्ट टू राइट बन रही है फ्रंट में भी ओपन एरिया रख रहे हैं और बैक साइड में भी ओपन एरिया रख रहे हैं तो फ्रंट के ओपन एरिया के हिसाब से आपने वॉल किस तरीके से बनानी है जो आपकी फ्रंट की वॉल है यानी साउथ की जो दीवार है उस दीवार के बराबर ही आपकी साउथ वेस्ट की दीवार जानी चाहिए वेस्ट वॉल की और ऐसे ही साउथ ईस्ट की ईस्ट वॉल भी बराबर ही रखनी है यानी इनकी हाइट इक्वल एक रखनी है और जो आपका अपना बैक साइड का एरिया है ऐसे में आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर यानी ये तीनों दीवारें आपकी एक लेवल में होनी चाहिए फ्रंट की दीवार से बैक साइड की दीवारें नीचे होनी चाहिए और पतली होनी चाहिए और स्मूथ होनी चाहिए रफ दीवार बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा जो अपनी फ्रंट वॉल है फ्रंट वॉल हाइट में कम कर लेते हैं और उसके ऊपर ग्रिल लगा लेते हैं ऐसा करने से वास्तु दोष बनता है क्यों वास्तु दोष बनता है यदि आपने फ्रंट की वॉल की हाइट कम रखी है और बैक साइड की वॉल की हाइट आपने ज्यादा रखी है तो इसमें वास्तु दोष बन जाता है तो जितनी आपकी सॉलिड वॉल आपकी साउथ की होगी जितनी ऊंचाई होगी उस ऊंचाई से हल्की सी नीचे आपकी नॉर्थ की दीवार होनी ही चाहिए आपने इन बातों का जरूर ध्यान रखना है क्योंकि मैं हमेशा ही आप लोगों को वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की बातें बताता रहता हूँ तो आप अपना साउथ फेसिंग घर बना रहे हैं तो आप अपने साउथ फेसिंग घर की कंपाउंड वॉल को वास्तुशास्त्र के अनुसार कैसे बनाना है मैंने अपनी इस वीडियो में मैक्सिमम जानकारी आपको दी है आप अपना घर बनाने जा रहे हैं और साउथ फेसिंग है तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें क्योंकि घर बार बार नहीं बनते आपने मेरी बात प्रैक्टिकल नोट करनी है तो आप अपने घर के अंदर खड़े हो जाए और उसके चारों कोनों को चेक करें चाहे वो घर आपका अपना है या रेंट का है उसमें देखिएगा जो बाउंड्री वॉल होती है जो कंपाउंड वॉल होती है उनकी ऊंचाई में फर्क आता है कोई दीवार ऊंचाई ज्यादा होती है कोई दीवार ऊंचाई में कम होती है कौन सी दीवार ऊंची है कौन सी दीवार नीची है उस चीज का मैटर नहीं है लेकिन नोट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये चीजें मैक्सिमम घरों में देखने में आती है ये तो आपने अपना घर देखा आप अपने घर की छत पे चले जाइएगा और पड़ोसी के लेफ्ट के राइट के और बैक साइड के घर को देखिएगा सामने वाले घर को भी देखिएगा उसमें भी बाउंड्री वॉल में आपको फ़र्क मिलेगा आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या आपका घर बन रहा है तो आपको कंपाउंड वॉल का वास्तु सही ज़रूर करना चाहिए जिस घर में आप रहते हैं उस घर के अंदर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है और आपके यहाँ साउथ की दीवार नीची है और नॉर्थ की दीवार ऊंची है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने घर की साउथ की दीवार को नॉर्थ की दीवार से ऊंची करेंगे तो आपके यहाँ फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएगी ये छोटा सा काम करके आप जरूर देखिए इसी के साथ एक चीज़ और नोट कीजिएगा साउथ ईस्ट कॉर्नर और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये दोनों को या तो इक्वल होनी चाहिए या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर साउथ ईस्ट कॉर्नर से हल्का सा नीचा होना चाहिए इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ बेनिफिट जरूर मिलेगा जो आपके यहाँ फाइनेंशियली दिक्कत है या और कोई दिक्कत है तो कंपाउंड वाल का वास्तु सही करते ही आपकी दिक्कतें काफ़ी हद तक कम होती चली जाएंगी मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको सही लगती है तो आप अपने घर का वास्तु सही कर सकते हैं आप हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप अपना मैप भेज हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं और आप हमें साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो आप हमें साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार